यस, दिस इज आर के शुक्ला, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी, एक्स फैकल्टी फ्रॉम आकाश, एंड नाउ इट इज वर्किंग विद टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा. ओके, सो जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है, अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में. बाकी सारे टॉपिक के बारे में पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं, और ये इसका लास्ट लेक्चर है. बाकी सारे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, और उसके बाद कई सारे लेक्चर लेंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है. तो अभी जो डायग्राम आपके सामने है, ये लीवर का डायग्राम है. ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे, लीवर हमारा कितने लोब से बना हुआ है. इट इज का मेनली कंसिस्ट ऑफ टू लोब. वैसे तो कई सारा लोब है लीवर में, कॉर्डेट है, क्वाड्रेट है, बट एज फार एज क्वेश्चन ऑफ मेन लोब ऑफ ह्यूमन बींग, लीवर इज देयर. इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लोब. इसका जो बड़ा लोब है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज राइट सेंट्रल लोब. और जो स्मॉलर लोब है, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट सेंट्रल लोब, ठीक है. दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, और ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शन क्या कहलाता है, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कहलाता है. इस बात को अच्छी तरह से याद रखना. राइट सेंट्रल लोब और लेफ्ट सेंट्रल लोब के बीच का जो कनेक्शन है ये क्या कहलाता है, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कहलाता है. राइट सेंट्रल लोब के लोअर साइड पर, याद रखना, इसके अपर साइड पर, ये नहीं, डायग्राम को आसान बनाने के लिए हम लोग गॉल ब्लैडर को अपर साइड में इसके ऊपर दिखा देते हैं, बट वास्तव में ये राइट सेंट्रल लोब के लोअर साइड पर पाया जाता है. और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट. यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन. इसी तरह से दो डक्ट का ओरिजिन होता है कहां से, लीवर के मेन लोब से. एक का ओरिजिन कहां से होता है, राइट सेंट्रल लोब से, और दूसरे का ओरिजिन होता है लेफ्ट सेंट्रल लोब से. एंड दीज आर कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट. और दोनों हेपेटिक डक्ट के फ्यूजन से जिस डक्ट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हेपेटिक डक्ट. और फाइनली याद रखना, कॉमन हेपेटिक डक्ट का फ्यूजन हो जाता है किसके साथ में, सिस्टिक डक्ट के साथ में, और उससे फॉर्मेशन होता है कॉमन बाइल डक्ट. कुल मिलाकर इस तरह का डक्ट सिस्टम पाया जाता है लीवर के अंदर, ठीक है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कितने टाइप का डाइजेस्टिव ग्लैंड है, याद रखना, 5 टाइप का है. नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर 3 लीवर, नंबर 4 पैंक्रियास, एंड नंबर 5 इंटेस्टाइनल ग्लैंड. इसमें से याद रखना गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन दोनों को एनसीईआरटी ने ग्लैंड में शामिल नहीं किया है. एनसीईआरटी ने इन दोनों का जिक्र कहां किया है, इन दोनों का डिस्कशन किया है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में. हम लोग इसको पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में भी पढ़कर आए, लेकिन थोड़ा सा यहां भी हम इसे देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में. अब देखो, सलाइवरी ग्लैंड का कुल मिलाकर थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर फाउंड इन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है. एक फॉर्मूला है यहाँ पे, लर्निंग टिप्स है, जिसमें दो सेंट्रल लाइन है. एक ऊपर वाला लाइन ये है जिसमें हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात की. ऊपर वाली लाइन में हमने किसके बारे में बात किया है, हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात किया हुआ है, जबकि नीचे वाली लाइन में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड की डक्ट के बारे में बात किया हुआ है. और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फॉर्मूला में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है, स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होता. तो ऊपर वाली सेंट्रल लाइन क्या, ऊपर वाली लाइन क्या है, पीमल. मान लो एक कोई बच्चा है जो बहुत शैतान था, पीमल जिसका नाम था, वो शैतानी करते करते सीबर लाइन में जाकर गिर गया, पीमल इन सीबर. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पीमल इन सीबर. पीआई फॉर पैरोटिड, जो पहले टाइप का सलाइवरी ग्लैंड है, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड. पी फॉर पैरोटिड, और एस फॉर इसकी डक्ट का नाम क्या है, एक्सटेंशन. तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, P for parotid as well as S for extension, इस बात को याद रखना. इसी तरह से M में याद रखना submandibular. सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है नीचे. तो मैंडिबिल के नीचे, मैंडिबिल मतलब क्या है, लोअर जॉ के नीचे जो पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एज submandibular. यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन. और submandibular की डक्ट का नाम क्या है, वॉटसन डक्ट. इस बात को अच्छी तरह से याद रखना. और तीसरा है सब लिंगुअल, एल फॉर लिंगुअल. और लिंगुआ मतलब क्या,
होता है? टंग होता है। और सब लिंगुअल का मतलब क्या हो जाएगा? टंग के नीचे। और इसकी डक्ट का नाम क्या है? आर फॉर डक्ट ऑफ रेविनस। यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन। इतनी बातें आपको यहां पर इसके बारे में याद रखना है, इतनी बातें हम याद रखेंगे। फिर थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। अब यहां हमने डायग्राम बनाया सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये हमने बक्कल कैविटी का डायग्राम बनाया, ये बक्कल कैविटी है, और ये ईयर का डायग्राम। देखो ईयर को हम ओटिड कैप्सूल भी कहते हैं, और पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है अराउंड। तो पैरोटिड का मतलब क्या हो जाएगा? अराउंड ईयर। यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन। तो पैरोटिड ग्लैंड कहां पाई जाती है? ईयर के आसपास पाई जाती है। That's why this is called as parotid. और इसका डक्ट क्या कहलाता है? इसका डक्ट कहलाता है स्टेंसन डक्ट। और स्टेंसन डक्ट का ओपनिंग कहां होता है? अपर जॉ में, याद रखना, प्री मोलर और मोलर के बीच में। सेकेंड टाइप का डक्ट, ये सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। अपर जो को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिला। और लोअर जो को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो अगर कोई चीज मैंडिबल के नीचे है तो उसे आप मैक्सिला के नीचे भी कह सकते हो, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर का मतलब क्या है? लोअर जो के नीचे, और सब मैक्सिलरी का मतलब अपर जो के नीचे। और इसका डक्ट क्या कहलाता है? इसका डक्ट कहलाता है वॉटसन डक्ट। ये सभी साइंटिस्ट के नाम है बच्चों, अच्छी तरह से याद रखना, ये सब साइंटिस्ट के नाम। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब इनकी डिस्कवरी हमारे देश में होगी, जैसे पहले हुआ करती थी, और तब इनका नाम क्या होगा? रामदास कैनाल, सीता कैनाल, गीता कैनाल, अबुल कलाम कैनाल, ऐसे नाम भी होंगे। ऐसा टाइम भी बहुत जल्दी आने वाला है। फिर देखो सब लिंगुअल। लिंगुआ मतलब क्या होता है? लिंगुआ मतलब टंग होता है। और सबका मतलब हम बात कर चुके नीचे। तो टंग के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड क्या कहलाएगी? सब लिंगुअल। और इसका डक्ट क्या कहलाता है? डक्ट ऑफ रेविनस। थोड़ा सा हम लोग बात कर लें इन सब के फंक्शन के बारे में। तो देखो ये इनके लोकेशन के बारे में हमने बताया। अब देखो पैरोटिड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो ये एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। अगर मैं सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली म्यूकस ग्लैंड है जो म्यूकस का सीक्रेशन करता है, लेकिन एंजाइम का सीक्रेशन नहीं करता, ठीक है। अगर मैं सब लिंगुअल के बारे में बात करूं तो याद रखना ये मिक्स ग्लैंड है जो एंजाइम का भी सीक्रेशन करता है और मिक्स का भी सीक्रेशन करता है, मतलब सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम प्लस म्यूकस, ये दोनों का सीक्रेशन करता है। दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। उसके बाद हमें बात करना है किसके बारे में? उसके बाद हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करना है। हालांकि गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम पहले भी बात करके आए हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात यहाँ नहीं करेंगे। अगर मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करूँ, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल। कोमा, COMAC4, G फॉर पैप्टिक सेल, O फॉर ऑक्सिंटिक सेल, M फॉर म्यूकस सेल, एंड A फॉर आर्जेंटिफारा सेल। एंड ऑल दिस फोर टाइप ऑफ सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये चारों सेल किस में पाया जाता है? अच्छी तरह से याद रखना, ये चारों सेल केवल स्टमक के बॉडी वाले पार्ट में पाया जाता है, बाकी में केवल म्यूकस सेल पाया जाता है। चारों का फंक्शन भी हमको मालूम है। चीप सेल क्या करता है? एंजाइम का सीक्रेशन करता है। ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल किसका सीक्रेशन करता है? HCL और कैसेल इंट्रिंसिक फैक्टर। एम सेल किसका सीक्रेशन करता है? म्यूकस का। और ए फॉर आर्जेंटिफारा सेल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन गैस्ट्रिन, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे लीवर के बारे में। ये लीवर का स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, इसके बारे में कुछ और हम बात कर लें। ये हमने अलग से डायग्राम बनाया लीवर की डक्ट सिस्टम का। देखो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट क्या कहलाती है? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और राइट हेपेटिक लोब से निकलने वाली डक्ट क्या कहलाती है? राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक लोब से निकलने वाली डक्ट क्या कहलाती है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट का फ्यूजन जब सिस्टिक डक्ट के साथ होता है तो क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट का जो टर्मिनेशन पॉइंट है जहां उसे फ्यूजन करना है किसके साथ? पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। वहां एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर एक तरह का क्लोजिंग डिवाइस है। अगर बाइल जूस को आगे नहीं बढ़ने देना है तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाएगा और बाइल जूस वहीं रुक जाएगा, जिसके चलते गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का स्टोरेज होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ड्यूडिनम का जो एपरेटस है जहां पर इनका ओपनिंग होता है, तो याद
रखना। ड्यूटी नंबर एक इलेवेशन या उभार है जिसका नाम है एम्पूला ऑफ बेटर। उसके अंदर एक स्फिंक्टर है, दिस इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और इसमें कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जाकर खुल जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। फिर अगर मैं पैंक्रियाज से बात करूं तो देखो पैंक्रियाज से दो तरह के डक्ट का ओरिजिन होता है। पहला क्या कहलाता है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ बीरसंग। इसका फ्यूजन किसके साथ में होता है, इसका होता है कॉमन बाइल डक्ट के साथ में। दोनों से क्या बनता है, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, और इसका ओपनिंग कहां हो जाता है, एम्पुला ऑफ बेटर पर हो जाता है। पैंक्रियाज से एक और डक्ट का ओरिजिन होता है, दिस इज कॉल्ड एज एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये सीधे सीधे ड्यूडेनम में जाकर खुल जाता है। ये जितना मैटर हमने डिस्कस किया है, अगर सबको एक साथ देखना है तो इस एक डायग्राम में और इस डायग्राम में भी इन सारी बातों को एक ही बार हम देख सकते हैं। अगर और ये कई सारे डायग्राम हमने लीवर का बनाया, बट उसके कैनाल सिस्टम में जिस डायग्राम का आपको प्रैक्टिस करना है वो ये डायग्राम है। सारे डायग्राम का प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस इस डायग्राम का करना है। फिर हम बात कर रहे हैं हिपेटिक लोब्यूल के बारे में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज हिपेटिक लोब्यूल। लीवर का काम क्या है, लीवर का काम बाइल जूस को बनाना है, और बाइल जूस को बनाने का काम कौन करता है, हिपेटिक लोब्यूल करता है। हिपेटिक लोब्यूल कैसा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, और इसका जो कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसंस कैप्सूल। याद रखना, इसका कनेक्टिव टिश्यू का जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसंस कैप्सूल। और सेंटर पर एक कैनाल है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल। और जितने कॉर्नर पर एक एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, दिस आर कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड। ठीक है, अब सेंट्रल कैनाल से लेकर हिपेटिक लोब्यूल की बॉल तक देखो इस तरह के स्ट्रक्चर जाते हैं जो कहलाते हैं हिपेटिक कॉर्ड। बहुत सारे हिपेटिक कॉर्ड होते हैं, एंड हिपेटिक कॉर्ड इज अ रो ऑफ हिपेटिक सेल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हिपेटिक कॉर्ड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज साइनुसॉइड। और साइनुसॉइड में कुफर सेल्स पाई जाती हैं जो कि फैगोसाइटिक सेल है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, फिर देखो ये हमने एक अलग डायग्राम बनाया हिपेटिक कॉर्ड का, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में काफी सारा लिखा हुआ है। देखो हिपेटिक कॉर्ड का जो एक सिंगल सेल है, दिस इज कॉल्ड एज हिपेटोसाइट और हिपेटिक सेल, और इस सेल को ही बाइल जूस को बनाना है। और इसका एक कंप्लीट रो, जब ये कंप्लीट चेन बना लेता है, दिस इज कॉल्ड एज हिपेटिक कॉर्ड। हिपेटिक कॉर्ड के बीच का गैप क्या कहलाता है, साइनुसॉइड, और साइनुसॉइड में कुफर सेल होती है जो कि फैगोसाइटिक सेल है। और सारा हिपेटिक कॉर्ड फाइनली कहां कनेक्ट हो जाता है, फाइनली सेंट्रल कैनाल पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ कॉमन डिस्कशन है, जैसे एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी ने खास डिस्कशन किया है कि आखिर लीवर का लोकेशन क्या है। तो लोकेशन याद रखना, एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर साइड पर, डायफ्राम के ठीक नीचे। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड पर स्टमक होता है, और राइट अपर साइड पर क्या होता है, लीवर होता है। लीवर का वेट कितना है, 1.5 केजी। बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी ये सहायता करता है, किसमें, ये लिपिड के डाइजेशन में सहायता करता है। इसमें दो पिगमेंट हैं, बाइल पिगमेंट जो बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन है, वास्तव में वेस्ट मटेरियल है, और बाइल सॉल्ट है जो सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट है, एंड दीज आर फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि फैट के इमल्सिफिकेशन के बगैर उसका डाइजेशन नहीं हो सकता। उसके अलावा ये जो फूड मटेरियल ड्यूटीनम में एंटर करता है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम भी करते हैं। फिर थोड़ा सा हम बात कर लें किसके बारे में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। देखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड बेसिकली दो ग्लैंड को मिलाकर कहा जाता है, एक है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड है, और ये कहां पाया जाता है, ड्यूडीनम के सम्मुकोसा में पाया जाता है। लेकिन इसका ओपनिंग कहां होता है, अच्छी तरह से याद रखना, इसका ओपनिंग होता है ड्यूडीनम की ल्यूमेन में, और ये क्या करता है, म्यूकस का सीक्रेशन करता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन। क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन कहां पाया जाता है, याद रखना, म्यूकोसल एपिथेलियम में ब्लाई के बीच का जो गैप है वो कहलाता है क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन। लीवर कुन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, दरार। इसका डिटेल हम लोग पढ़ कर आए। और इसमें चार तरह के सेल है, पैनेट सेल, जैमोजन सेल, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल और आर्जेंटिफेरस सेल। ये चार तरह का सेल, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। देखो पेनिट ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस का सीक्रेशन करता है। पेनिट सेल क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन। इन सभी को बहुत डिटेल में हम पिछले लेक्चर में पढ़ कर आएंगे। जैमोजन सेल क्या करता है, एंजाइम का सीक्रेशन करता है। आर्जेंटिफेरस सेल
हार्मोन का सीक्रेशन करता है और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल रिप्लेसमेंट ऑफ सेल करता है। इसका फॉर्मूला हमने बनाया था बाप इन जुआ, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है बाप इन जुआ, इसका हमने फॉर्मूला बनाया था। फिर देखो उसके बाद हमने बात किया पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास कैसा? मिक्सोक्राइनिन ग्लैंड। मिक्सोक्राइनिन ग्लैंड का मतलब क्या है? ये एक्सोक्राइनिन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइनिन ग्लैंड भी है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। मिक्सोक्राइनिन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइनिन ग्लैंड भी है, ठीक है। अब याद रखना इसका जो एक्सोक्राइनिन पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एसिनस, और टोटल पैंक्रियास का लगभग 99% एसिनस से मिलकर बनता है, इस बात को याद रखना। और ये एंजाइम का सीक्रेशन करता है, इसका सीक्रेशन पैंक्रियाटिक जूस कहलाता है जो कि कंप्लीट जूस है। और इसका एंडोक्राइनिन पार्ट जो कुल मिलाकर 1% है दिस इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करता है। गॉट इट माय पॉइंट? और उसके बाद फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना हार्मोन इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। कौन करता है? हार्मोन इंसुलिन, जिसके चलते ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन मतलब शुगर की कमी करने वाला हार्मोन, और इसका सीक्रेशन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से होता है, ये याद रखना। ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है ये इंसुलिन का अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज को बनाता है, जिसके चलते ब्लड प्लाज्मा में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, और इसका सीक्रेशन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के अल्फा सेल से होता है। इतनी बातें कुल मिला के हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था, जिनको हमने पढ़ दिया। अभी क्वेश्चन, यहाँ दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इन पांचों में से कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसके डैमेज होने का सबसे ज्यादा प्रभाव डाइजेशन के मैकेनिज्म पर पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूं कि अगर लीवर को हटा दिया जाए तो उसका डाइजेशन पर प्रभाव कैसा और कितना होगा। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। आप मुझे बताओगे कि कितना और कैसे असर पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज यहां पर कंप्लीट होती है। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाइजेशन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे वीडियो अभी अपलोड होने वाले हैं। ओके, बाय।